हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षराधि व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी इवनिंग हो रही है और इवनिंग के बजे मैं इस टाइम पे 5:15 यानी कि 5:15 और आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ और बहुत दिनों से मेरे व्लॉग जो है वो नहीं आ रहे हैं और मतलब क्या बोलूँ मैं, लगी हुई हूँ। बहुत सारा स्ट्रगल है लाइफ में भी है और यहाँ पर यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा स्ट्रगल है जिसमें ये वीडियो बना रही हूँ कि वीडियोस को वायरल कैसे किया जाता है। जो कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे न्यू यूट्यूबर भाई बहन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके पास में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ वीडियो वायरल करने की कि वीडियो किस तरीके से वायरल किया जाता है। मैं बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रही हूँ और मुझे ना मतलब सीखते सीखते ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आई हैं यहाँ पर काम करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको अपना वीडियो वायरल करना है तो उसके लिए आपको उन चीज़ों के साथ में मिलकर काम करना होता है, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। और बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है कि जब रेगुलर वो काम करते रहते हैं उसके बाद में ना वो उनके अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है, एनर्जी होती है काम करने की, वो टाइम टू टाइम डाउन होती चली जाती है, जिसकी वजह से फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो यही होती है कि हम लोग काम करना छोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ पर काम करने के लिए एक नियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जैसे कि हमारा डेली का डेली जाना इम्पोर्टेंट होता है, हम वहाँ से छुट्टी नहीं ले सकते, है ना। अगर हम छुट्टी लेते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस वजह से इसी तरीके से आप अगर वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि इसको आपको बहुत सीरियसली लेना होगा। ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए आप बना रहे हो या कुछ भी डाल दिया, उठाया और आज डाल दिया, फिर एक महीना बंद कर दिया, एक महीने बाद डाल दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यहाँ पर सक्सेस होना है, वीडियो वायरल करनी है, तो उसके लिए आपको इस पर कंटिन्यू काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप डेली का डेली इस पर, मैं ये नहीं बोलती आप डेली ही डालो, आप हफ्ते में एक वीडियो डाल दो, हफ्ते में दो वीडियो डाल दो, तो हफ्ते में एक दो वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर डालने हैं। और मैं तो कहूँ अगर आप डेली डाल सकते हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सकते तो शॉर्ट आप डेली अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हम चलते हैं, मतलब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर कि वीडियो कैसे वायरल किया जाए। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और काम करते करते मैंने जो यहाँ पर सीखा है वो है नियम के साथ काम करना, साथ के साथ धैर्य रखना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ लेकिन मैं फिर भी धैर्य रखे हूँ कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कभी तो कुछ होगा। तो उसी धैर्य का जो फल है वो मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी रिसेंटली मेरे जो दो वीडियो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ गए हैं उन पर, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ है, बस वही आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर इस चीज़ से मेरा भला हुआ है तो जो न्यू लोग हैं यूट्यूब पर जो सीख रहे हैं अभी, तो उनका भी भला हो जाए। तो मैं यहाँ पर बस वही वीडियो लेकर आज आपके साथ में उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने दूसरा फ़ोन लिया हुआ है हाथ में और मैं इसी में आपको प्रूफ दिखाऊंगी, विद प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरे दो वीडियो हैं उन पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, और वो कैसे आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अपना चैनल। ओके, फर्स्ट में ही आ रहा है हमारा चैनल, फर्स्ट में। ओके,
तो ये आ गया है गाइस, ये आ चुका है हमारा चैनल, अगर आपको दिख रहा हो तो चुका है हमारा चैनल। ओके तो अभी हम चलते हैं वीडियोस पे, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी करते हैं कम। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये वाली जो मेरी वीडियो है इस पर गए हैं 10K व्यूज़, इस वाली वीडियो पर आप देख सकते हो 10K व्यूज़ गए हैं और ये बहुत ही मतलब अच्छी चली है वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो चली है ये मेरी, इस पर 10K व्यूज़ गए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली जो वीडियो है इस पर व्यूज़ गए हैं, चलो 1.1K व्यूज़ गए हैं इस पर। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ इस वाली वीडियो पर गए हैं मेरे 2.4K व्यूज़ एंड देन 4.3K व्यूज़, 3.3K व्यूज़, 6.6K व्यूज़, 2.6K व्यूज़, 2K व्यूज़, 3.1K व्यूज़, 1.1K एंड 2.5K, 2.5K। और ये मेरी ओल्ड वीडियोस हैं जिन पर कम व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि मेरी बहुत टाइम पहले की हैं तो इन पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन ऊपर वाली जो अभी मैंने आपको वीडियोस दिखाई उन पर आपने व्यूज़ देखे। और ये वाली एक मेरी वीडियो 11K पर गई हुई है, देख सकते हो आप। तो इसका इसमें भी मैंने ट्रिक लगाई हुई थी और ये मेरी सारी ओल्ड वीडियोज़ हैं ये वाली, तो आप देख सकते हो ये जो ओल्ड वीडियोज़ हैं, ओल्ड वीडियोज़ हैं इनमें बहुत कम व्यूज़ आए हुए हैं, लेकिन अब जो मैंने ट्रिक लगाई है उसकी वजह से मेरी ऊपर जो वीडियोस हैं मतलब जो रिसेंटली मैंने अपलोड की हुई हैं उन पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो मैंने प्रूफ है वो भी आपको दिया है, ये मेरी रिसेंटली वाली ही सारी वीडियोस हैं, ये सब रिसेंटली वाली वीडियोस हैं जो मैंने भी हाल ही में पोस्ट की थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ इन पर आए हुए हैं। तो इनमें जो मैंने ट्रिक लगाई है कि वीडियोस को कैसे वायरल करें, बस अभी मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने ट्रिक लगाने के बाद में अपनी वीडियोस को वायरल किया है और अच्छे खासे व्यूज़ जो हैं वो अब मेरी वीडियोस पर आने लगे हैं। तो बस बहुत देर मैंने आपसे बातें कर ली और बहुत सारी चीज़ मैंने बताई आपको, तो चलिए फटाफट से मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से मैं इन वीडियोज़ पर व्यूज़ लेकर आई थी। तो गाइज़ मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक नियम बना रखा है, अभी हाल फिलहाल में मैं पूरा दिन घर का काम करने के बाद में वीडियोस जो है उनको बनाती हूँ, मतलब शॉर्ट बनाती हूँ। घर का काम ख़त्म करने के बाद में मैं अपना पूरा दिन वीडियोस को देती हूँ, फिर उसके बाद में उनकी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद में मैं उनको अपलोड कर देती हूँ, लेकिन मैं अपलोड करती हूँ उनको अनलिस्टेड में, मैं उनको पब्लिकली नहीं करती हूँ, अनलिस्टेड में अपलोड करती हूँ। अनलिस्टेड में अपलोड करने के बाद में मैं उनको सबके ऊपर जो भी शॉर्ट होते हैं मेरे उनके ऊपर टाइटल थंबनेल वगैरह लगाने के बाद, अच्छे से उनको सेट करने के बाद, टेक वगैरह लगाने के बाद, फिर मैं क्या करती हूँ कि शेड्यूल्ड कर देती हूँ। तो शेड्यूल करने के बाद में क्या होता है कि आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जैसे आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आप कहीं बाहर बिजी हो या घर के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हो। तो शेड्यूल करने से होता है ये कि वीडियो जो है वो अपने आप टाइम से पोस्ट हो जाती है और आपको टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं वीडियो बनाने के बाद में उनको शेड्यूल कर देती हूँ और शेड्यूल में टाइम के हिसाब से करती हूँ, जैसे कि मैं करती हूँ शाम को 7 बजे, ठीक 7 बजे मैं अपना एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिस पर कि बहुत अच्छे व्यूज़ आने के चांसेस रहते हैं और आपको 7 बजे अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो क्योंकि मैं खुद करती हूँ इस वजह से मैं आपको यही टाइमिंग बता रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
और दिन में जो मेरा है वो है 11:30 से लेके 12 बजे तक का टाइम। तो मैं अगर दिन में करती हूँ तो मैं दिन में उस टाइम पे कर लेती हूँ। तो मैक्सिमम मैं 2 शॉर्ट डेली अपलोड कर रही हूँ और इसकी वजह से चैनल भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा है और मेरे शॉर्ट जो हैं वो भी वायरल होने लगे हैं, मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ आजकल। जो कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी इसकी वजह से, लेकिन अब मैं आजकल थोड़ा अपने माइंड को अच्छे से फ्रेश समझ रही हूँ कि हाँ मेरा दिमाग जो है वो अच्छे से काम कर रहा है और मुझे किस तरीके से काम करना है। तो गाइस बस मैं यही करना चाहूँगी कि डेली के डेली आप वीडियोस अपलोड कीजिए। वीडियोस नहीं कर सकते हैं अपलोड तो आप शॉर्ट अपलोड कीजिए, दिन में कम से कम 1 शॉर्ट अपलोड ज़रूर कीजिए, 7 बजे कीजिए, आपका वीडियो ज़रूर से ज़रूर वायरल होगा और बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मैं करती हूँ बस वही मैंने आपके साथ में शेयर किया, आई होप से कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो जो भी लोग न्यू हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ज़रूरत है ये सब सीखने की, तो प्लीज़, वैसे तो मेरा व्लॉग चैनल है, ये सब बनाने का या बताने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि जिस चीज़ से मुझे बेनिफिट हुआ है वो मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, बस इसलिए आकर मैंने यहाँ पर आपको बता दी। कोई भी ब्लॉगर ये चीज़ नहीं बताता है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन मैंने ब्लॉगर होने के बाद भी ये चीज़ यहाँ पर शेयर की है। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, जल्दी से मेरी वीडियोज़ आसमान छुएँ और मेरा चैनल भी जल्दी से आसमान को छू ले, मतलब कि ग्रो कर जाए, इतना आसमान भी नहीं छूना है मुझे। तो बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से कि सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह से मेरे शॉर्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे व्यूज़ देते रहिएगा, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। और जो भी चैनल बनाना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगी। चलिए गाइस आज का वीडियो बस यही तक का था, वीडियो ज़रा सा ही पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, शायद मैंने दोबारा से बोला है ये, चलिए कोई बात नहीं है।